Hello, my dear students. Welcome back to my channel, Commerce Tutor, Your Flight to Success. And yes, children, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो, आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर वन, ईएच पार्ट ऑफ इट, दैट इज आंसर इन वन सेंटेंस, ट्वेल्थ कॉमर्स सब्जेक्ट ओसीएम के क्वेश्चन बैंक के जरिए. चिल्ड्रन, येस, प्रोवाइडेड बाई द महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 2021. ठीक है, अब ये जो सारे वन लाइनर्स है ये ऑलरेडी हमने देखा हुआ है, ऑलरेडी वी आर अवेयर अबाउट इट, बट येस आई हैव ट्राइड टू ब्रिंग दोज वन लाइनर्स हियर ऑल्सो, क्योंकि ये क्वेश्चन के साथ साथ आंसर का भी एक व्यू आपको दे रहा है, सो इट विल बी इजी फॉर यू टू रिवाइज. ठीक है, चलिए इसी अच्छे थॉट के साथ शुरू करते हैं. चिल्ड्रन, बिफोर गोइंग अहेड, न्यू पीपल टू माई चैनल, काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, सो द वीडियो विल बी वेरी वेरी यूजफुल टू एवरीबडी आउट देयर. ठीक है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन, वॉट इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड. ईच मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर, इज द वन लाइन आंसर ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड. आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स वेयर ईच मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर. ठीक है, सेकेंड मैंने एरो दिखाया है, वैसे यहाँ ऊपर मैंने लिखा है, सो आई जस्ट शोड यू द एरो बिकॉज ऑफ द प्लेस कंस्ट्रेंट, इट्स ओके. ये तीनों को ही दिखाया है, बाकी सारे आई होप विद इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन ही है. सेकेंड आता है, वट इज आउटसोर्सिंग, द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग अ बिजनेस फंक्शन, और वन मिनट, इट इज और चिल्ड्रन, यहाँ पे यस, और एनी स्पेसिफिक बिजनेस एक्टिविटी टू स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, मोस्टली द नॉन कोर एरिया सच एज सैनिटेशन, सिक्योरिटी एक्सेट्रा आर आउटसोर्स्ड बाय द कंपनी. दिस इज द आंसर फॉर द मी क्वेश्चन, व्हाट इज आउटसोर्सिंग. ठीक है, देन व्हाट इज कंट्रोलिंग, एंड वी हैव रेड इट इनफ टाइम्स चिल्ड्रन, कंट्रोलिंग इज कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस. बहुत सारे डेफिनेशंस और मीनिंग्स है टेक्स्ट बुक में, हैव चूजन द शॉर्ट एंड स्वीटेस्ट वन आई विल से, सो ये भी आप एक लाइनर लिख सकते हैं. इनिशियली यू कैन स्टार्ट फ्रॉम कंट्रोलिंग मीन्स, देन कम्स वॉट आर बिजनेस सर्विसेज. बिजनेस सर्विसेज आर दो सर्विसेज विच हेल्प द बिजनेस टू ग्रो एंड हेल्प बिजनेस टू फंक्शन सीमलेसली. दिस इज द एप्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. वन लाइनर्स है चिल्ड्रन, ये बहुत ही स्कोरिंग टाइप क्वेश्चन है. अगर आपने सीधे लिख दिया विच इज़ रियली करेक्ट, एंड डेफिनेटली यू विल स्कोर वन मार्क फॉर श्योर. फिफ्थ की तरफ चलते हैं अब, व्हाट इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. प्रिंसिपल इज नथिंग बट टेक्निक्स और सिस्टम्स विच गिव वन डायरेक्शनल रिजल्ट, दे आर कॉल्ड एज प्रिंसिपल्स, दे आर यूनिवर्सल एंड एप्लीकेबल एवरीवेयर, लेकिन इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट इट इज़ कॉल्ड एज डिविजन ऑफ वर्क. सो ये दोनों मिलाकर बनता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, देन कम्स व्हाट इज नेशनल कमीशन, अ कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम एट द नेशनल लेवल एस्टेब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इज नोन एज नेशनल कमीशन. ठीक है, व्हाट इज राइट टू रिप्रेजेंट, द एक्ट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू इंडिविजुअल्स एंड कंज्यूमर ग्रुप्स टू रिप्रेजेंट कंज्यूमर इंटरेस्ट बिफोर द कंज्यूमर फोरम, दैट इज द मीनिंग ऑफ द राइट टू रिप्रेजेंट. आप इनिशियली भी लिख सकते हो कि राइट टू रिप्रेजेंट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू इंडिविजुअल्स एंड कंज्यूमर ग्रुप्स टू रिप्रेजेंट कंज्यूमर इंटरेस्ट बिफोर कंज्यूमर फोरम. व्हाट इज स्टाफिंग, अगेन वन मोर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग, रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग, प्लेसिंग, अप्रेजिंग, रेम्यूनरेटिंग, डेवलपिंग एंड रिटेनिंग द बेस्ट वर्क फोर्स. देन द क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू मीन बाय ब्रांडिंग देन, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गिविंग स्पेशल आइडेंटिटी टू अ प्रोडक्ट थ्रू यूनिक ब्रांड नेम, मैंने कैप्स में लिखा है यहाँ पे, टू डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट, दैट्स ब्रांडिंग फॉर योर चिल्ड्रन. Then comes your, what is KPO, knowledge processing outsourcing hai, but what is it? It is a form of outsourcing again in which knowledge and information related work is carried out by workers in a different company or by a subsidiary of the same organization, that's KPO.
Next is, what is agro-tourism? I think we have already discussed this, children. It offers tourists a chance to reconnect with the land and provides a hands-on experience with the local foods. That is agro-tourism. Then what is demand deposits? Demand deposits are those which are repaid to customers whenever they demand. That is, money can be withdrawn as per the wish of the customer through withdrawal slips, checks, ATM cards, etc. तो demand deposit वो है जो repay करते हैं customer को जब भी वो demand करते हैं. ये already discuss हमने discuss करा है. And मनी कैन बी विड्रॉन एज पर द विश ऑफ द कस्टमर्स, के विश के हिसाब से पैसे निकाल सकते हैं विड्रॉल स्लिप से, चेक से, एटीएम से. बाकी सारे डिस्कशन हो चुके हैं, सो आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन दोज एरियाज वेयर आई थिंक यू मे रिक्वायर द एक्सप्लेनेशन. ठीक है, वॉट डू यू मीन बाई ग्रेडिंग देन? इट इज द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटी. तो यहाँ पर ग्रेडिंग होता है बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है सिमिलर उसके बेसिस पर या क्वालिटी के बेसिस पर, उसको हम ग्रेडिंग कहते हैं. वट इज एक्सचेंज बैंक देन? एक्सचेंज बैंक्स एज वेल एज लार्ज कमर्शियल बैंक्स, आप उनको एक्सचेंज बैंक को लार्ज कमर्शियल बैंक्स भी बोल सकते हो. दे फैसिलिटेट फॉरन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स, एग्जाम्पल बार्कलेज बैंक, बैंक ऑफ टोक्यो एंड एक्सेट्रा. ओके, so this is the meaning of exchange bank. Who is an entrepreneur? This is a very interesting or hamara favorite question hai. An entrepreneur is a person who starts a business and is willing to risk loss in order to make money. It's a very simple answer, children. Jo koi bhi business start karta hai aur risk lene ke liye hamesha taiyar rehta hai to make profits, to make money, usko hum entrepreneur kehte hain. लास्ट बट नॉट द लिस्ट चिल्ड्रन, हु इज़ अ कंज्यूमर? हम कौन है? हम सारे कंज्यूमर्स ही तो है. सो एनी पर्सन हु बाइज एंड एनी गुड्स, हायर्स एनी सर्विस और सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन विच हैज़ बीन पेड और प्रोमिस्ड और पार्टली पेड और पार्टली प्रोमिस्ड और अंडर एनी सिस्टम ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स को हम क्या कह सकते हैं? कंज्यूमर कह सकते हैं. आई होप दिस वन लाइन क्वेश्चंस ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन जो भी है हमारा, बहुत ही ईजिली हमने उसको टैकल कर लिया है. एंड यू कैन रीड इट एन नंबर ऑफ टाइम्स, आपका रिविजन भी हो जाएगा एंड यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड इट इन अ वेरी सिंपल मैनर. सो दैट्स इट चिल्ड्रन इन दिस वीडियो. आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी यूजफुल टू यू. सो दैट्स इट इन दिस वीडियो. आई कंक्लूड माई वीडियो योर चिल्ड्रन. इन द नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली आगे के बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर भी डिस्कस करेंगे. ऐसा नहीं है टॉपिक्स नहीं करेंगे, वो भी करेंगे. सम मोर थिंग्स आर ऑल्सो इन द वे, ठीक है, ऑन द वे बेसिकली. चलो, थैंक यू सो मच चिल्ड्रन, टेक केयर, सी यू सून.